hello welcome back once again in principle of electronic communication subject course so in the last lecture we have completed our first unit of this particular course that was introduction to electronic communication today we are going to move ahead in this particular course of unit 2 chapter 2 that is am and fm modulation am stand for amplitude modulation and fm stand for frequency modulation so today we are going to start a very very main unit of this particular subject main unit for the communication subject that is modulation so first we are going to understand what is the term what is known by what is known as modulation then we are going to सी इन डिटेल द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन दिट्यूड मॉड्यूलेशन तो आज हम लोग अपने वाले हैं जो चैप्टर का नाम है मॉड्युलेशन और ये पूरे चैप्टर का नाम है ए एम एंड एफ एम मॉड्यूलेशन तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि मॉड्युलेशन का मतलब क्या होता है मॉड्यूलेशन का जैसा कि आप सबको याद होगा मैंने जब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था एंड अंडर डैट ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़े थे अंडरस्टैंड किए थे तो उसमें मैंने आपको ट्रांसमीटर ब्लॉक जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो ट्रांसमीटर ब्लॉक में मैंने आपको समझाया था कि वहां पे जो मेन प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा मॉड्युलेशन प्रोसेस होगा और उसम उस टाइम पे मैंने आपको मॉड्यूलेशन के बारे में सिर्फ यही समझाया था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है लेकिन वो अभी इतने पावर लेवल में नहीं है कि ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर सकती है इसलिए उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि उसका पावर लेवल बढ़ जाए और ज्यादा डिस्टेंस तक का वो ट्रेवल कर पाए हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा डिस्टेंस तक का कवर कर पाए तो इसके लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी उसको ऐसे फॉर्म में मॉडिफाई करना है कि जो कैपेबल हो पाए लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए ताकि रिसीवर तक हमको इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो पहुंच जाए अदरवाइज हमारी इंफॉर्मेशन वहीं पे लॉस्ट हो जाएगी जब अपनी कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रेवल कर रही होगी तो अगर उसका पावर लेवल इतना अच्छा नहीं होगा तो ज्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं कर पाएगी तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट हुई रहती है उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है मॉड्यु मॉडिफाई करना पड़ता है और वही मॉडिफिकेशन मॉडिफाई का नाम जो है वो टेक्निकल टर्म जो है उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन तो अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में जरा अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले थोड़ा मैं बेसिक यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपको बेसिक में थोड़ा ये मालूम होना चाहिए कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैसा दिखता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल कैसा दिखता है जैसा कि आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब तो पता ही है क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब वट यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी सर एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वॉट फ्रीक्वेंसी तो आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम का फिर रिलेशन भी मालूम होगा जैसे आप बता रहे हो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी और उसका जो यूनिट है वो हार्ट है तो आपको इनवर्सली प्रपोशनल वेरी गुड वेरी गुड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम में कौन सा रिलेशन है इनवर्स का रिलेशन इनवर्स प्रपोशनल यस इनवर्सली प्रपोर्शनल है तो जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फ्रीक्वेंसी ठीक है जितना कम टाइम उतनी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी तो यहां पे अभी फिलहाल मैं अभी आपको एक बेसिक डिफरेंस शो कर रहा हूं दो पर्टिकुलर वेब के बीच में एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल दिख रहा है इसकी जो मैंने फ्रीक्वेंसी यूज किया है वो कितने फ्रीक्वेंसी का यूज किया हुआ है किलो सो दिस इज अ साइकिल ऑफ साइन वेव ये एक्चुअली कौन सा शेप है आपको दिख रहा है साइन वेव का शेप दिख रहा है बराबर दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी साइन वेव फॉर्म अब ये जो साइन वेव फॉर्म है ये साइन वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है वन किलो हर्ट्ज़ Now, अब वन किलो है, तो आपको पता है उसका टाइम कितना होगा टाइम कितना होगा उसका वन मिली सेकेंड होगा क्योंकि वन मिली सेकेंड का जब इन्वर्स करोगे तो वो क्या होगा आपको वन किलो में मिलेगा मिली का मतलब आपको पता है मिली इज ना माइनस थ्री टेन स्ट्री पावर माइनस थ्री को मिली बोलते हैं अब जब ये माइनस थ्री टेन स्ट्री पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन एस दी पावर प्लस थ्री बन जाएगा और टेन एस टू दावर प्लस थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग उसकी यूनिट क्या होती है तो इस तरीके से वन मिली सेकेंड का टाइम आपको कितना फ्रीक्वेंसी देगा वन किलोअस का फ्रीक्वेंसी देगा एक जस्ट मैं आपको एक खाली डिफरेंस शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैसे दिखेगा और एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैसे दिखेगा अब देखो दूसरा वेब देखो ये जो वेब था इसकी फ्रीक्वेंसी कितने किलोअ की थी वन किलोअ की थी अब मैं जो दूसरा वाला वेबफॉर्म दिखा रहा हूं आपको

एक साइकिल कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही थी अब वही उतने टाइम में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होने लगेंगे दो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होने लगेंगे यहां पे पुराने में, वन किलो में एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड में जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है वो पर्टिकुलर टाइम स्टैंड में वन मिली सेकंड में अब यहां पे क्या हो जाएगा वही वन मिली सेकंड के टाइम में कितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी दो क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया मिली मिलीसेकंड एक कंप्लीट होने का टाइम पीरियड कितना हो गया मिली सेकेंड तो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड ये एक साइकिल कंप्लीट हुई दूसरा पॉइंट फाइव मिली सेकेंड एक साइकिल कंप्लीट हुई तो मतलब मैं आपको डिफरेंस क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ साइकल क्या होंगे बढ़ जाएंगे तो ये जो डिफरेंस मैं आपको शो कराने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ एक ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है और ये मेरा हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है तो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही थी उतनी टाइम में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या होगा उतने ही टाइम में नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे क्योंकि टाइम क्या हो गया है कम हो गया है टाइम पीरियड क्या हो गया है कम हो गया है 0.5 मिलीसेकंड का इन्वर्स्ट करोगे तो क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको टू किलो आर्ट्स मिलेगा तो ये टू किलो आर्ट का मैंने फ्रीक्वेंसी वेफ फॉर्म शो किया है तो आपको एक बेसिक नॉलेज ये अंडरस्टैंड होना चाहिए एक बेसिक मालूम यह होना चाहिए कि अगर जब भी आपको कहीं पे भी डायग्राम बनाना हो तो अगर आपको डिफरेंस शो करना है कि देखो ये मेरा लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है ये मेरा हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है तो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में नंबर ऑफ साइकल्स आप क्या दिखाओगे कम दिखाओगे और जब वही चीज हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल बनाना रहेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में आपको क्या करना क्या करना रहेगा रहेगा दिखाना नंबर ऑफ़ साइकल्स वही उतने ही है, 2 का है. 1 के में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही थी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही थी लेकिन टू किलोट्स के फ्रीक्वेंसी में मैंने टाइम में कितनी साइकिल्स को कंप्लीट करा दिया दो साइकल को कंप्लीट करा दिया मतलब मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या होते हैं बढ़ जाते हैं तो ये बेसिक एक मालूमत आपको मेरे को समझाना था पहुंचाना था क्योंकि आगे चल के देखो मेरा बेस यही है मैं आगे चल के जब भी आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा जो भी अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के टर्म में होगा तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में ऐसे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा क्यों दिख रहे हैं वहां पे आपने कम क्यों बनाए थे तो ये बेसिक मालूमत आपको होना चाहिए कि जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा होंगे और जब लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बोलता हूं तो उसका मतलब यह है कि वहां पे उतने ही टाइम में नंबर ऑफ साइकिल कम होंगे बिकॉज इज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी तो इस तरीके से ये ये आपका इधर पे बेसिक एक चीज कंप्लीट किया है अब मुझे आगे बढ़ना है मुझे आपको समझाना है वॉट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है वॉट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी टर्म मॉड्यूलेशन तो उसके लिए मैं आपको इधर पे अभी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओके दिस व्हाट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हम लोग ने पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके थे दिस आवर इंफॉर्मेशन सोर्स जो हम लोग को अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना है रिसीवर की तरफ <coughs> तो ट्रांसमीटर इन दिस प्रोसेस ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ब्लॉक में वो प्रोसेस होगा मॉड्यूलेशन जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है मॉडिफाई करना है कि जो कम्युनिकेशन चैनल पे ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाए ट्रेवल कर पाए तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है व्हाट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है जैसे हम लोग पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन दिस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन तो प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन और अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है मॉड्यूलेशन यूज करना पड़ता है सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर मॉडिफाइज द मैसेज सिग्नल इनटू अ फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल अब ट्रांसमीटर क्या करता है मॉडिफाई करता है हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल को ऐसे सुटेबल फॉर्म में ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रेवल कर पाए तो दिस मॉडिफिकेशन ये मॉडिफिकेशन का नाम जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल में मॉडिफिकेशन हो रहा है बल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉट मॉड्यूलेशन सो अभी इसके आगे आपको समझ में आएगा अब यहाँ पे देखो इधर पे इधर पे क्लियर किया हुआ है वॉट इज मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज सिग्नल इन टू फ्री स्पेस मॉड्यूलेशन क्या है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट किसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है मैसेज सिग्नल है उसको फ्री स्पेस में भेजने के लिए आपको तो पता है हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है फ्री स्पेस में किसमें ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में हम लोग थोड़ी कोई वायर यूज करते हैं मोबाइल से हम जो भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं वो तो फ्री स्पेस में ट्रेवल होता है और वो फ्री स्पेस में कौन से फॉर्म में ट्रेवल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडियो वेव्स के फॉर्म में तो मॉड्यूलेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है तुम्हारी मैसेज सिग्नल को क्या करना है, है. कहाको ट्रेवल कराना है तो अभी तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिग्नल ऐसे तो नहीं ट्रेवल कर लेगी जो तुम अभी बो रहे हो खुद से जो बो रहे हो उसकी तो कैपेसिटी सी एक पर्टिकुलर फ्यू डिस्टेंस तक का ही है ओरिजिनली आप जो बो रहे हो तो वो ओरिजिनली वॉइस ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी कवर करेगा आपकी मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है टू किलो किलो तो 20 का सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं कवर कर पाएगा इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको क्या करना पड़ता है मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है ऐसे फॉर्म में तैयार कराना पड़ता है ताकि वो फ्री स्पेस में एनवायरमेंट में सराउंडिंग में ज्यादा डिस्टेंस तक क्या कर सके ट्रेवल कर पाए अब देखो ये एक्चुअल इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूलेशन का जो मीनिंग है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन का एक्चुअल मीनिंग दिया हुआ है एक्चुअल डेफिनेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन और वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को और क्या कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल क्योंकि पता है आपको आपकी जो ओरिजिनली वॉइस सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम है ट्वेंटी किलो आर्ट्स है खाली तो हम लोग को क्या करना है अपनी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलते हैं उसको ट्रांसमिट कराना है किसके थ्रू ट्रांसमिट कराने का है? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसका नाम क्या है कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल को ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएंगे अब जैसे फॉर अभी मैं आप लोग से पूछू यू आर इंफॉर्मेशन आप अपने घर से निकलते हो कॉलेज आने के लिए आपका डेस्टिनेशन कॉलेज है तो कॉलेज में आने के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मीडिया यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करते हो कैन टेल मी कैनिट आर द डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड यू आर यूजिंग फॉर कमिंग टुअर्ड्स दर वही बस ट्रेन ऑटो वेरी गुडी यस यस बस होगी ट्रेन हो गई ऑटो रिक्शा हो गई तो दिसरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड यू आर यूजिंग यू यू तो यू आर इन्फॉर्मेशन आप लोग क्या है इन्फॉर्मेशन है आप अपने घर से निकल रहे हो आपका डेस्टिनेशन क्या है आवाज आ रही ना मेरी म्यूट कर दो हाँ सर सर प्लीज म्यूट हाँ तो अभी आप इंफॉर्मेशन हो अपने घर से नहीं कर रहे हो आपका डेस्टिनेशन क्या है टुवर्ड्स द कॉलेज कॉलेज तो टुवर्ड्स यू आर कमिंग विद हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड सच एज बस ट्रेन ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल यू आर यूजिंग सम यूजिंग बाइक ऑल्सो जिसके पास बाइक है तो बाइक से भी आता है तो एक्चुअली वॉट आई एम ट्राइंग टू से आप अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल हो लेकिन आप वॉकिंग करके ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस्ट होगी टाइम ज्यादा लगेगा तो इसके लिए आप लोग तो क्या यूज करते हो हाई स्पीड व्हीकल यूज करते हो जिसकी स्पीड क्या है ज्यादा है ताकि क्या हो सके आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस क्या करो कवर कर लो तो आपको कौन कौन कैरी करके लेके आता है आपको ये सब ट्रांसपोर्टेशन मोड कैरी करके लेके आता है बाइक हो होगी आपको कैरी करके लेके आने के लिए ट्रेन हो गई आपको कैरी करके लेके आने ले के लिए तो ये जो आपको कैरी करके लेके आ रहे ये सब क्या बन गए आपको कैरियर यू आर इंफॉर्मेशन आप हो इंफॉर्मेशन तो वी आर इंफॉर्मेशन सिग्नल तो हम इंफॉर्मेशन सिग्नल है, हमको कैरी करके लेके आने के लिए सब ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज होते हैं तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी क्या होता है जो हमारी ओरिजिनल ओरिजिनलफॉर्मेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम है तो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको कहते हैं उसको हम लोग को ट्रेवल करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का नाम क्या है कैरियर सिग्नल उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कहते हैं कैरियर सिग्नल तो कभी भी आप मॉड्यूलेशन में आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आपको यही देना है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल इज ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज नोन एज कैरियर सिग्नल तो हम अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे हम कहते हैं कैरियर सिग्नल तो दिस इज द एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन और इसके बाद हम लोग अभी बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मॉड्यूलेशन का होना जरूरी क्यों है वाई द मॉड्यूलेशन इज नेरी अगर विदाउट मॉड्यूलेशन अपनी मॉड्युलेशन भेजेंगे तो क्या होगा मॉड्यूलेशन करना इसलिए क्यों जरूरी है फिलहाल मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन ये दिया है वॉट इज मीन बाय मॉड्यूलेशन इज मीन बाय मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है तो मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच Our low low frequency signal, our information signal, which is low frequency signal, is travel is transmitted by using a high frequency signal, which is known as carrier signal. So that's all for today's lecture. What is meant by modulation? In next lecture, we are going to see what are what what are the needs of modulation, why why modulation is necessary, why modulation is needed. तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टे एट होम स्टडी वेल थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर